हेलो दोस्तों, अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है और आप सोच रहे हो कि अपना YouTube चैनल का जो नाम है चेंज करना है, और आपके मन में डाउट भी है कि अगर हम अपना YouTube चैनल का जो नाम है चेंज करते हैं तो इससे हमारा YouTube चैनल पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना YouTube चैनल नाम चेंज करते हो तो इससे प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील कुमार चौहान और अभी तक हमारे टेक्नोलॉजी सुनील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक घंटी सी आएगी उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को अपना YouTube चैनल के ही बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है तो उसके बाद जो है अपना YouTube चैनल का नाम चेंज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। तो दोस्तों जब मैं अपना YouTube चैनल स्टार्टिंग में ओपन किया था तो मैंने अपना YouTube चैनल का नाम रखा था टेक्निकल एस के गुरु जी, ये मेरा नाम था यूट्यूब चैनल का, और इसी नाम पे मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल करा लिया था। इनेबल होने के बाद दोस्तों 3 महीने के बाद जो है मेरे को अच्छा नहीं लगा नाम, मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया जिसका नाम रखा टेक्नोलॉजी सुनील। दोस्तों अभी जो इस चैनल पे आप देख रहे हो वीडियो यही मेरा चैनल है, और दोस्तों जब मैं अपना नाम चेंज कर दिया यूट्यूब का तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया मेरा चैनल पे, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आया और मैं जो है अपना यूट्यूब चैनल का नाम जो है चेंज कर दिया। अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है तो आप जो है अपना चैनल का नाम चेंज कर सकते हो। हाँ, अगर आपके चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं उसके बाद दोस्तों अपना चैनल का नाम चेंज करना चाहते हो तो चेंज नहीं होगा। अगर 50,000 से कम सब्सक्राइबर है तो आप जितनी बार चैनल को नाम चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।